आज हम लोग गुरु महाराज के परम शिष्य परम पूज्य पंडित मिहिलाल जी के साधना स्थली और कर्म स्थली पर बैठे हुए हैं। वो गुरु महाराज के साथ यहाँ उपस्थित हैं और सब गुरु महाराज के प्रेमी जो शरीर छोड़ चुके हैं संत आत्माएं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और परम भागवत से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हरेक अपने प्रेमी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चलने के लिए अभी तक हम लोगों का जो ज्ञान है वो पूर्व के महापुरुषों के ज्ञान और उनके वचनों पे श्रद्धा और विश्वास पे आधारित है। पर पुराने समय में जो ज्ञान जो सत्य का अनुभव वैज्ञानिक लोग अपनी खोजों से नहीं कर पाए वो हमारे ऋषियों ने अपने मन की शक्ति के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ सत्यों का अनुभव किया है और उस सत्य को का ज्ञान प्राप्त करने का उन्होंने रास्ता भी बताया और कहा कि तुम स्वयं इस पर चलो और फिर हमारी बातों पर विश्वास करो। परंतु हम लोग सोचते हैं कि वर्तमान समय में इस दूषित जो वातावरण है इस पर हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर यह हमारी सोच गलत है क्योंकि आजकल भी हम देखें तो कई संत ऐसे आए हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है और उसमें कहा है कि तुम इस ज्ञान को हमारे बताए हुए रास्ते पर चल के प्राप्त कर सकते हो। अगर हम अपने सत्संग के इतिहास को ही देखें तो देखेंगे कि पुराने महापुरुषों में कई लोगों ने उस आत्म तत्व को प्राप्त किया है। पर इसके लिए बस जरूरी यह है कि हमको किसी समर्थ गुरु का साथ हो, उस पर पूर्ण विश्वास हो और मन में साहस हो कि हम उसके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। समर्थ गुरु क्या होते हैं? वो पूर्ण रूप से ईश्वरीय शक्ति का ही नाम होता है। जब ईश्वर को कुछ विशेष कार्य करना होता है तब वो इस नर शरीर में आता है और हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही वर्तमान समय में हम लोगों के जीव की दुखी स्थिति देख के हमारे गुरु महाराज को दे आई और वो इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो रास्ता बनाता हूँ उससे तुम आंतरिक बंधनों को मुक्त करके अपने दुखों को स्वयं ही दूर कर पाओगे। तुम उन दुखों को पहचान पाओगे और इसके लिए जो उन्होंने रास्ता साधना का बता रहा वो राजयोग साधना है। मनुष्य के अंदर अनेक शक्तियाँ हैं, उसके अंदर अनेक ज्ञान है। राजयोग उन आंतरिक शक्तियों को ही जागृत करने की साधना है। जो मन हमारा चंचल है जो इधर उधर भागता है वो राजयोग के द्वारा उसकी चंचलता को हम खत्म कर सकते हैं। क्योंकि चंचल मन हमारे शरीर को भी खराब कर देता है और हमारे अंदर के विचारों को भी खराब करता है। अगर हम जैसे देखें जैसे हमारे शरीर का जब स्वास्थ्य खराब होता है तो मन भी हमारा ठीक नहीं रहता। इसी प्रकार से जब मन में चंचलता होती है तो उससे हमारे शरीर का भी प्रभाव पड़ता है और उस चंचलता को नष्ट करके हमारी इंद्रियां भी हमारे अधिकार में आ जाती हैं। क्योंकि मन से हर एक समय विचारों की लहरें उठती रहती हैं और उन्हीं विचारों से हमारी वृत्ति बनती है, तब हम उसी के अनुसार अच्छे या बुरे काम करते हैं। पर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको जो अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस भ्रम का अंश हम सबके अंदर है, हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसके लिए मन की चंचलता को नष्ट करना बहुत जरूरी है। उससे जो लहरें उठ रही हैं उनको शांत करना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से समझें। जैसे एक तालाब में लहरें उठती हैं
तो हम उसके तल को नहीं देख पाते हैं। जब वो लहरें शांत हो जाती हैं तब हम उसके तल को साफ देख सकते हैं। उसका तल हमारा वास्तविक स्वरूप है और जो लहरें हैं वो हमारी मन में उठने वाली वृत्तियां हैं। इनके शांत हो जाने से हम लोग सुख व शांति का अनुभव करते हैं। इनके शांत करने के का जो मार्ग है उसके गुरु महाराज ने जो साधना बताई है उस पर हमें बहुत जल्दी उन्नति मिलती है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि अपने अंदर वृत्ति को अपने अंतर्मुखी करो, उसको बाहर से हटा के और मन को एकाग्र करने की साधना करो। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो उसको पूर्ण जब एकाग्र करना पड़ेगा, एक ही देह का ध्यान रहना रहेगा जिस देह पर हम साधना कर रहे हैं, फिर वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाएगा। तब हमारे अंदर कोई विचार नहीं होगा, एकदम शांति होगी और यही अवस्था आगे चल के हमको आत्मज्ञान का ज्ञान कराएगी। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम इसमें नींद की अवस्था में थे या समाधि की अवस्था में थे। नींद की अवस्था में जब आदमी जगता है तो उसी अवस्था में पहुंच जाता है जबकि वो सोने से पहले था। उसको वो शांति नहीं मिलती जो समाधि के बाद मिलती है। उस समाधि के बाद जब वो उठता है तो एक नया ही मनुष्य बन जाता है। वो एकदम शांत हो जाता है, उसकी वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं, वो हमारे अधिकार में आ जाता है और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन होता रहता है। और वो देखता है कि जो हम लोग इस संसार में बोझ लेके चल रहे थे, हमारे काम क्रोध लोभ मोह गुस्सा अभिमान, वो सब बोझ हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये मार्ग सेवा और त्याग का है। इसके लिए ये सेवा और त्याग एक भाव होना चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि साधक जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। और उसको अपना ये जो क्रोध है और जो ये दूसरों की निंदा, वो भी कभी नहीं, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा करने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता जिसकी वो निंदा कर रहा है, पर उसके अंदर कालमा छा जाती है हृदय में और वो अपने ईश्वर से दूर होता जाता है। और गुरु महाराज भी ऐसे भक्तों को पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद जो अपना अभिमान है वो भी शांत करना चाहिए। जो अहंकार है वो गुरु महाराज की दया से ही शांत होता है। वो जब साधक पूर्ण हो जाता है तब उसका अहंकार शांत हो जाता है, या वो जो अपने को कुछ ना समझ के केवल सेवक समझ के कार्य करे, उसके मन में ये विचार ना आए कि मैं कुछ हूँ, तब भी उस साधक को अहंकार नहीं रहता। इसलिए इस अपने संसार का और इस सत्संग का सारा कार्य सेवक समझ के करना चाहिए। अपने भाव गुरु महाराज की तरफ हमेशा रखने चाहिए, उनके आदेशों पर, उनके आदर्श पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे भावों को देखता है। और भाव जो सच्चे हृदय से निकलते हैं वो ईश्वर तक पहुंचते हैं और वो उन्हें सुनता है। और सच्चा हृदय उनका होता है जो अपना हृदय गुरु महाराज को दे चुके होते हैं। मुझे एक जो मजले भैया अक्सर एक कथा कहते थे, संस्मरण सुनाते थे, वो याद आ रहा है कि वृंदावन में दो सेठ रहते थे, एक का नाम था राजा बाबू, दूसरे का नाम था लक्ष्मी नारायण जी। दोनों सेठ थे, उनका जमीन जायदाद को लेके झगड़ा चलता रहता था और मन में काफ़ी द्वेष पालते थे। पर जो राजा बाबू थे वो एक सत्संग में जाने लगे, उनके मन में कुछ वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने उनसे कहा संत से कि हमको दीक्षा दे दीजिए। पहले समय में काफ़ी परीक्षा लेकर गुरु लोग दीक्षा देते थे। उन्होंने उनकी आंतरिक अवस्था देखी और कहा कि नहीं, अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो। जब उनने दो तीन बार कहा तो वो तब उनके समझ में आया कि हाँ, जो मेरे अंदर द्वेष भाव, जो ईर्ष्या भाव है,
वही मुझे पूर्ण करने से रोक रहा है। वो दूसरे दिन सेठ लक्ष्मी नारायण जी के पहुंच गए नंगे पैर और जाके बोले मैं भिक्षा लेने आया हूँ। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने आकर उनको गले से लगा लिया और दोनों के मेल धुल गए। तब उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी और कहा कि अब तुम पूर्ण हो सकते हो, इसलिए हमको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां हमारे अंदर केवल गुरु का प्रेम होगा और अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, हमारे अंदर शांति होगी, एक आनंद होगा और यही पूर्ण पुरुष की पहचान है। जवान भी पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वो सुख में दुख में एक समान रहता है, पर दूसरों के दुखों को दूर करने की उसके मन में भावना रहती है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी कोशिश भी करता है। उसके अंदर एक शांति रहती है, एक ईश्वर का प्रेम रहता है और हमेशा वो ईश्वर की याद में या अपने इष्ट गुरु की याद में रहता है। उस संसार के भी सारे कार्य उन्हीं का आदेश समझ के करता है और उसको ये ध्यान रहता है कि हमका ऐसा कोई कारण ना हो जाए जो हमारे गुरु की प्रसन्नता को ठेस पहुंचाए। यही मोक्ष की अवस्था है और ये अवस्था हमारे गुरु महाराज की साधना के द्वारा साधकों में आ सकती है। वो बड़ी श्रद्धा और विश्वास से इसे करें और मन में विश्वास रखें कि हम ऐसे गुरु के शरण में आ गए हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सब प्रेमी भाइयों को अपना आशीर्वाद प्रदान रखें जिससे कि वो अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। ये निवेदन है जब सब लोग बड़े भाव से इसे गुरु महाराज को अर्पण कर देंगे तो इसमें उनकी शक्ति आ जाएगी और उसका एक दाना भी हमारी वृत्ति को बदलने के लिए काफी होगा। सब लोग बड़े भाव से इस निवेद को गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करके हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज सब पे दया।